गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स, आज मैं यूथ से कहूँगा जो 18 साल से बड़े नए यूथ जो ग्लोबल कम्युनिटी में एंट्री कर रहे हैं एज यूथ, जो बच्चे बचपन की दहलीज को लांग कर आफ्टर थ्रेशोल्ड ऑफ द चाइल्डहुड दे आर एंटरिंग द एज ऑफ यूथ, यंग कम्युनिटी को मैं आज कहना चाहूँगा, पुराने लोग जाति धर्म और रूढ़िवादी लिबास में लिपटे हुए थे, उनको नहीं हटाया जा सकता। कहते स्वभाव का निर्माण एक बार होता है और पीढ़ीगत अंतर हमेशा पाया जाता है। 60 साल से बड़े लोग अपनी पेंशन मांगे हर देश में, हर प्रदेश में, चाहे राजतंत्र हो लोकतंत्र हो। मैं यूएनओ से भी कहूँगा और ग्लोबल जो चैनलिंग हम कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि चाहे कहीं कोई शेख हो, साहूकार हो, कोई हो, चाहे लोकतंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक हो, यानी बूढ़ों की पेंशन की व्यवस्था करे। यूएनओ से मैं कहूँगा महासभा से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर चिल्लाए, इस बात पर काम करें कि पेंशन टू ओल्ड इंश्योर किया जाए कि भाई ये पेंशन दी जाए ताकि वो लोग अच्छे से जीवन जी सकें, या ओल्ड एज होम, ये फकीरिया टाइप हॉस्टलों की जरूरत नहीं। हम बुढ़ों को अपमानित करने के लिए हमें चाहिए ओल्ड होटल्स फॉर ओल्ड। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी बढ़ती सोसाइटी साथ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बुढ़ों की और बच्चों के पोर्शन पर कुछ ध्यान एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में दिया जा रहा है यूएनओ द्वारा, इसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा निश्चित रूप से। यूएनओ को अवार्ड भी मिल चुका है उसके फूड ऑर्गेनाइजेशन को, और कहा भी गया है शांति का नोबल मिला था। आज मैं यही कहूँगा किसी समुदाय जाति और क्षेत्र और देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं, सभी मानव स्वभाव से शांत पैदा होता है, अशांत परिस्थितियाँ बनाती हैं। तो मैं उसी बात पर कहूँगा भारतीय युवाओं को, मैं सबसे पहले कहूँगा कि शिक्षित युवाओं का जमावड़ा भारत में 18 साल से बड़े जब युवाओं को पूछा जाता है, 60% बच्चे अपने आप को ग्रेजुएट क्लास से बताते हैं और आ भी जाना चाहिए 100%। पहले कहते थे कि इसको हम अनिवार्य शिक्षा 8वीं तक ला रहे हैं, फिर 12वीं तक ला रहे हैं, हम इसको स्नातक इसलिए ला रहे हैं, स्नातक स्तर की शिक्षा दे देनी चाहिए। आज ऑनलाइन टीचिंग का दौर है, हमारा चैनल भी लोगों को मुफ्त पढ़ा रहा है। मैं विश्व बिरादरी को कहूँगा कि वो मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करें, हम ये मुफ्त में ही जारी रखेंगे और ग्रेजुएट क्लासेज हमारी मेन हेडलाइंस में नहीं रहेंगी, स्नातक स्तरीय कक्षाओं पढ़ाने करें वो जारी रहेगा। तो बच्चे स्वयं शिक्षा लें, सभी ग्रेजुएट्स बने और सरकारें उनको रोजगार दें। मैंने पहले कहा था कि भारत जैसे देश को बड़े वेतन की नौकरियां तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये सदन में जो पत्रकार साथी या दूसरे प्रतिनिधि जो गए हैं, मैं इनसे भी कहूँगा पहलवानों से कि ये सिर्फ जाकर वहाँ गूंगे ना, मैंने कि मेरा अध्यक्ष नेता जिस पार्टी से बिलोंग करता मना करता है और बोला मत क्या कर तू, बेटा ये काम नहीं होता है, तू जवान है। पहले भी कहता था कि मैं जवानों का चेहरा हूँ, पर चेहरा बना नहीं है, धमका रहा तो भी बोल सदन में कि भी रोज़गार रोज़गार रोज़गार, बाहर हमारे बच्चों को बड़ी ज़रूरत है। रजाइयों चर्चाओं से कुछ नहीं होगा, सदन में चर्चा करनी पड़ेगी। जॉब राइट लंबे समय से 90वीं से चर्चा चली थी संसद में, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं सदन में जिनकी उम्र नहीं है, जिनका जन्म 90 के बाद का है। रामविलास पासवान उस टाइम जो श्रम मंत्री थे, उन्होंने मुद्दा लेकर आए थे कि रोज़गार, कम्युनिस्टों ने मांग की थी कि हम रोज़गार को अधिकार बनाएं, पर मांग करने वालों को हम यहाँ कोई बड़ा धन्यवाद देने नहीं जा रहे, हम करें से लागू करने वालों को धन्यवाद देंगे। तो जॉब राइट यानी बच्चों को 18 साल के बाद तुरंत नियुक्ति दी जाए, और जो सार्वजनिक क्षेत्र लोगों को हायर करेगा तो प्राइवेट क्षेत्र बहुत बड़ा, वो अपने आप कर लेगा, उसको गाइडलाइन की जरूरत नहीं है और महंगा कर लेगा। तो मैंने पहले कहा था कि एक बार कम से कम पार्ट टाइम जॉब के नाम से बच्चों को जितनी भी यूथ एनर्जी है सारी को 10,000 पर, 28,000 नियमित नौकरी बाद में आएगी, 10,000 रुपये सबको जो सरकार है, सरकारी एजेंसियाँ हैं, वो सब बच्चों को अपन लेटर्स और जॉब इन्विटेशन दें। मेरा जॉब इन्विटेशन से मतलब है सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं कह रहा हूँ कि 10,000 धन संसाधन सब कुछ वो काम लेंगे, उनसे 8 घंटे फ्री में किसी को खैरात बांटने नहीं जा रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा समाज सेवा के लिए उनको नियुक्त करने जा रहे हैं। तो सभी सरकारी इसमें जुट जाएं। आज मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ,
आज निर्देशात्मक भाषा में कह रहा हूँ, राष्ट्र हित में कह रहा हूँ, जनशक्ति के हित में कह रहा हूँ, लोकतंत्र के हित में कह रहा हूँ। और ये मैंने पहले बता दिया कि बड़े या 2.5 लाख की वेतन की नौकरियाँ को अपने, मैं ज़्यादा उस पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसको बंद कीजिए और 10,000 पर पार्ट टाइम और लोकल जॉब्स इन सभी यूथ्स को प्रोवाइड करने के लिए काम शुरू कीजिए। थैंक्स।